संस्कृत भाषा से लेकर भारत की प्राचीन संस्कृति से आज की पीढ़ी को अवगत कराने के नेक उद्देश्य के साथ इन्फोसिस फाउंडेशन के सहयोग से भारतीय विद्या भवन द्वारा भारतीय विद्या भवन कल्चरल आउटरीच सप्ताह की घोषणा की गई है। ग्रीष्म थीम पर आधारित यह महोत्सव 7 जून से आरंभ होगा और इसी की अधिक जानकारी भारतीय विद्या भवन कोऑर्डिनेटर अपर्णा रामचंद्रन ने दी। हमारा थीम है 7 दिन का कल्चरल फेस्टिवल है। मकसद यही था, इन्फोसिस फाउंडेशन वॉज वेरी क्लियर कि आपको फोक रूरल आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देना है और उनका ये भी मैंडेट था कि सोलो आर्टिस्ट को प्रमोट नहीं करना है, मैक्सिमम ग्रुप परफॉर्मेंस को लेके आना है ताकि और ज़्यादा आर्टिस्ट लोगों को एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिले और उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिले। सो ये मकसद इतना ही है कि जो ऑलमोस्ट जो काफ़ी सारे डाइंग आर्ट्स है उनको हमको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, उनको प्रमोट करना है। तो अगर आप देखेंगे इस 7 दिन में हमारे पास जो परफॉर्मेंसेस है उसमें चक्री भजन है, उसमें गोंधल है, उसमें प्रोफेशनल लावणी है, सूफी म्यूजिक है, अभंग गा रहे हैं एंड अभंग ऑल्सो हम जो है ग्रीष्म के थीम लेके ही अभंग वही वाले अभंग चुन के गाने वाले हैं। सूफी म्यूजिक है, काठियावाड़ का डांस है और बाकी ऑल्सो अदर गुजरात से जो फोक डांसर्स है, ग्रुप डांसर्स है, वो हम लेके आ रहे हैं। तो मकसद ये है कि इन आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देना है और यहाँ के लोगों को इसको इंट्रोड्यूस करना है, नहीं तो और एक 5-10 साल में ये चला ही जाएगा। मतलब ये हम विकिपीडिया में खाली इसके फोटो देखने को मिलेगा, हमको ये आर्ट चला जाएगा। वी वांट टू प्रमोट। इस दौरान साथ ही उपस्थित थे भारतीय विद्या भवन के चेयरमैन MN रामचंद्रन, वीनू अरिगे आदि तमाम मान्यवर। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।